नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले भारत के झारखंड राज्य के देवघर में स्थित बाबा बैजनाथ धाम के बारे में कि आप यहां 2023 में कब जाएं, कैसे जाएं, यहां रुकने की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या सुविधा है और देवघर में आप बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन कैसे कर सकते हैं और यहां पर आप कहां कहां घूम सकते हैं। और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका देवघर को घूमने और दर्शन करने में कुल कितना खर्चा लग जाएगा। ये पूरी ए टू जेड कंप्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को वीडियो में दूंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखेगा ताकि आपको बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग यात्रा से संबंधित पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते और बात करते देवघर में स्थित बाबा बैजनाथ धाम की। झारखंड के संथाल परगना में स्थित देवघर मुख्य रूप से वैद्यनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि भारत के 12 शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और देवघर अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण झारखंड राज्य की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और वैजनाथ धाम में स्थापित यह शिवलिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में नौवां ज्योतिर्लिंग है और यह देश का पहला एक ऐसा स्थान है जहां पर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ आप शक्तिपीठ के भी दर्शन कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यहां पर दर्शन करने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना शिवलिंग भी कहते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने कब जाएं। वैसे तो आप यहां पर कभी भी जा सकते हैं, लेकिन यहां पर जाने का सबसे सही समय सावन का महीना, महाशिवरात्रि और अक्षय तृतीया का दिन माना जाता है, क्योंकि ये तीनों समय ऐसे समय होते हैं जहां पर वैजनाथ धाम में काफी ज्यादा भीड़ होती है। इसलिए अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो देवघर के इस पवित्र तीर्थ यात्रा पर जाने का सबसे बेस्ट टाइम सर्दियों का मौसम भी माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान देवघर का मौसम काफी ज्यादा सुहावना और सुखद होता है, जिससे कि यहाँ पे दर्शन करने और टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने में कोई भी परेशानी नहीं होती। और यहाँ पर सोमवार के दिन थोड़ी सी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन नॉर्मल दिनों में यहाँ पर आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन कब करना पसंद करते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप बाबा बैजनाथ धाम कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई बस, बाई ट्रेन और बाई प्लेन बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप वैजनाथ धाम ट्रेन से जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन वैजनाथ धाम है, लेकिन यहाँ कुछ ही शहरों से ट्रेनें आती हैं, इसलिए अगर आपको यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप जसीडीह जंक्शन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से जसीडीह जंक्शन के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी, जिनके जरिए वैजनाथ धाम पहुंच सकते हैं। और जसीडीह जंक्शन से वैजनाथ धाम की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है, जिससे आप रिजर्व टैक्सी से 200 से 250 रुपए में बुक करके बाबा बैजनाथ धाम पहुंच जाएंगे। और अगर आप बाबा बैजनाथ धाम फ्लाइट से जा रहे तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट देवघर एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिनके जरिए आप देश के किसी भी एयरपोर्ट से आप देवघर एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ना मिले तो आप रांची के बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी फ्लाइट की सुविधा ले सकते हैं। और देवघर एयरपोर्ट से बाबा बैजनाथ धाम की दूरी लगभग 5 से 7 किलोमीटर है और यहाँ से आप ऑटो बुक करके पहुंच जाएंगे टावर चौक के पास। दोस्तों टावर चौक वो जगह है जहाँ पर आपको स्टे करने के लिए धर्मशाला, होटल और डोमेट्री की सुविधा मिल जाएगी। और यदि आप बाबा बैजनाथ धाम बस से जा रहे हैं तो देवघर की सड़कें देश के हर एक शहरों से काफ़ी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है, जिनके जरिए आप बस से डायरेक्ट देश के किसी भी शहर से बाबा बैजनाथ धाम तक पहुँच सकते हैं। और साथ ही साथ देवघर के लिए झारखंड के प्रमुख शहर रांची, धनबाद, बोकारो आदि जैसे शहरों से डायरेक्ट बसें चलाई जाती हैं देवघर के लिए, जिनके जरिए आप इन शहरों से भी बस पकड़ करके डायरेक्ट देवघर पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि वैजनाथ धाम पहुंचने के बाद यहां पर कहां पे स्टे करें। वैसे तो यहां पर स्टे करने के लिए आपको टावर चौक के पास हाई बजट से लेकर के लो बजट तक के कई सारे धर्मशाला, होटल मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके यहां पर स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां पर स्टे करने के लिए एक नॉर्मल बजट होटल लेना चाहते हैं तो उसका चार्ज लगभग 500 से 700 रुपए होता है और धर्मशाला का लगभग 200 से 300 रुपए होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप यही होटल पीक सीजन के समय यानी कि सावन में, महाशिवरात्रि और अक्षय तृतीया पर लेते तो इन्हीं होटलों के चार्जेस दोगुने हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे स्टे करने के लिए एक अच्छा वीआईपी होटल लेना चाहते हैं तो यहाँ पे वीआईपी होटल लेने के लिए आपको लगभग 2000 से 3500 रुपए तक का चार्ज देना होता है। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर होटल लेना नहीं चाहते तो आपको मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कुछ होटल और धर्मशाला दिए जाते हैं, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं और इसकी बुकिंग आप केवल ऑफलाइन ही कर सकते हैं, मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देवघर में स्टे करने के लिए किसकी सुविधा लेते हैं, होटल या फिर मंदिर की तरफ से गेस्ट हाउस। दोस्तों अब बात करें कि देवघर में खाने
पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जिस भी होटल में स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने की सारी सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप वहाँ पे खाना नहीं चाहते तो आपको मेन मंदिर के आसपास और टावर चौक के पास बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जाकर के लगभग 80 से 150 रुपए में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप किसी और जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छी अच्छी साइट्स का लिंक दे दिया है, जिसकी मदद से आप सस्ती से सस्ती प्राइस में बस, होटल, ट्रेन, प्लेन और टूर पैकेजेस को बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि अब बाबा बैजनाथ जी के दर्शन कैसे करें। वैसे तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आपको मंदिर के पश्चिमी गेट से लाइन लगाना पड़ता है, इसलिए आप मंदिर के गर्भगृह तक मोबाइल, पर्स, कैमरा आदि जैसे सारी चीज़ों को ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ गर्भगृह में आपको ना तो फोटो और ना ही वीडियो बनाना है, क्योंकि वहाँ गर्भगृह में फोटो खींचना और वीडियो बनाना वर्जित है। इसलिए आप यहाँ पर गर्भगृह में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए, मथे टेके और फिर हर हर महादेव का नारा लगाते हुए गर्भगृह से बाहर निकल जाएं। और साथ ही साथ यहाँ भगवान शंकर और माता पार्वती के मंदिरों के गुंबदों के बीच गठबंधन देखने को मिलेगा, इसलिए आप यहाँ पे भगवान शिव जी के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद माता सती के शक्ति पीठ के भी दर्शन जरूर कीजिए। इसी के साथ ही साथ यहाँ पर कुल मिलाकर के 21 मंदिर है जिनके दर्शन आप सभी को जरूर करने चाहिए, और यहाँ पर दर्शन करने में आपको लगभग एक दिन का समय लग जाता है। और अगर आप यहाँ पर बाबा बैजनाथ जी के दर्शन करने सावन महीने में आते हैं तो बहुत सारे श्रद्धालु जसीडीह जंक्शन से बाबा बैजनाथ मंदिर तक लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर पैदल ही सुल्तानगंज से माँ गंगा का जल लेकर के बाबा बैजनाथ जी के इस ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करने के लिए भगवा रंग पहने हुए सभी श्रद्धालु बड़े ही श्रद्धा के साथ यहाँ पर जलाभिषेक करने आते हैं। और यहाँ बाबा बैजनाथ के दर्शन करने में आपको लगभग 4 से 8 घंटे का समय भी लग सकता है। वहीं अगर आप एक नॉर्मल दिनों में बाबा बैजनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर लगभग 1 से 2 घंटे में ही आपको दर्शन मिल जाएगा। और यह मंदिर सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहता है। दोस्तों, अब बात करें कि यहाँ बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन करने के बाद आप कहाँ कहाँ घूमें। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले वासुकीनाथ मंदिर जा सकते हैं। झारखंड के दुमका जिले में देवघर राज्य राजमार्ग पर स्थित यह मंदिर हिंदुओं के लिए एक लोकप्रिय पूजा स्थल है, जहाँ पर लाखों तीर्थ यात्री हर साल देश के सभी हिस्सों से इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने के बाद ही आपकी बैजनाथ की धाम की यात्रा पूरी मानी जाती है। इसी के साथ ही आप यहाँ नौलखा टेम्पल के भी दर्शन कर सकते हैं। झारखंड के देवघर में स्थित यह मंदिर मुख्य मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर श्री राधा कृष्ण जी को समर्पित है, जिनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और यह मंदिर बेलूर के रामकृष्ण मंदिर से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। और श्री राधा कृष्ण जी को समर्पित इस मंदिर का निर्माण लगभग 9 लाख रुपए में लगे थे, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम नौलखा टेम्पल रख दिया गया। और इसी के साथ ही आप यहाँ नंदन पहाड़ भी घूम सकते हैं। देवघर जिले में एक पहाड़ी की चोटी पर बना यह पहाड़ मनोरंजन पार्क है, जो कि कई गतिविधियों के साथ साथ एक पिकनिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जॉय राइड और बोटिंग का मजा ले सकते हैं। और यहाँ नंदी मंदिर भी मौजूद है, जहाँ पर आप सभी दर्शन करने के साथ साथ नंदन पहाड़ से सूर्यास्त का भी बहुत ही शानदार नज़ारा देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप यहाँ तपोवन भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। देवघर शहर के बाहरी इलाके में स्थित इस तपोवन में कई सारे प्राकृतिक गुफाएं और चट्टानें मौजूद हैं, जो कि मूल रूप से गुफाओं और पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। और गुफाओं के अंदर एक शिवलिंग स्थापित है, जहां पर दर्शन करने के लिए लोग यहां पर आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ऋषि वाल्मीकि यहां तपस्या करने आए थे। और साथ ही साथ तपोवन स्थानीय लोगों के लिए भी एक लोकप्रिय ट्रैकिंग और पिकनिक स्पॉट है, जहाँ पर आप पहाड़ी की चोटियों पर सीढ़ियाँ चढ़ करके लगभग 30 मिनट में इस तपोवन की मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। इसी के साथ ही आप यहाँ सत्संग आश्रम भी घूम सकते हैं। सत्संग आश्रम एक पवित्र स्थान है, जहाँ पर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के अनुयायी सत्संग पूजा करने के लिए एकत्रित होते हैं। और यह आश्रम परिसर बहुत ही बड़ा है, जहाँ पर अंदर धार्मिक गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है। और बच्चे भी इस आश्रम के परिसर में स्थित संग्रहालय और चिड़ियाघर का भी आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ त्रिकुट पर्वत
का भी मजा ले सकते हैं। दुमका रोड पर स्थित इस पर्वत पर ट्रैकिंग करना आपके लिए बहुत ही खास ऑप्शन होगा, क्योंकि यह ट्रैकिंग 2 घंटे का होता है, जिसमें आपको ट्रैकिंग करते समय यहाँ की खूबसूरत वादियों का नज़ारा देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आप यहाँ चाहें तो केबल कार का भी आनंद ले सकते हैं, और इस केबल कार का चार्ज लगभग 130 रुपये पर पर्सन होता है। दोस्तों, और भी ऐसे कई सारे जगह है देवघर में जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, रिखिया पीठ आश्रम, मुराक्षी नदी, रोहिणी पार्क, जलसर चिल्ड्रन पार्क आदि जैसे देवघर के टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ पर आप सभी घूमने का भरपूर मजा ले सकते हैं। और दोस्तों, इन सभी पर्यटन स्थलों को घूमने के लिए आप यहाँ पर स्कूटी या बाइक या फिर ऑटो रिक्शा टैक्सी की भी सुविधा ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर घूमने के लिए स्कूटी या बाइक लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 400 से 500 रुपये पर डे का होता है, और वहीं अगर आप ऑटो या टैक्सी बुक करते हैं यहाँ पर घूमने के लिए तो उसका चार्ज लगभग 800 से 1200 रुपये तक पर डे का होता है। दोस्तों, अब बात करें कि देवघर को घूमने और बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन करने में आपका कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो अगर आप यहाँ पर घूमने के लिए 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान करते तो उसमें आपका कुल खर्चा लगभग 4000 से 6000 रुपये पर पर्सन लग सकता है, मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप देवघर में कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे, और यहाँ पर घूमने के लिए आप कितने दिन का ट्रिप प्लान करेंगे, और यहाँ पर रुकने के लिए आप किस टाइप का होटल लेंगे, और देवघर आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।